हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहिणी मयूर और मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कस्टर्ड पाउडर भी घर पर ही बनाएंगे और उसी का हम फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल में मिल्क पाउडर लिया है और दूसरे इसमें हमने कॉर्नफ्लावर लिया है। दोनों ही हमें सेम क्वांटिटी में लेना है और वेनिला एसेंस लगेगा हमें और थोड़ा सा लेमन येलो फूड कलर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने मिक्सी का एक जार लिया है, चटनी जार। उसे में हम मिल्क पाउडर डालेंगे, फिर कॉर्नफ्लावर डालेंगे और थोड़ा सा वेनिला एसेंस डालेंगे और थोड़ा सा हमें यहाँ पर एक पिंच कलर डालना है और मिक्सी में इसे पीस कर ये हो गई हमारी कस्टर्ड पाउडर रेडी। अब इसे हम एयर टाइट कंटेनर में 1 से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। चलिए फिर अब इसी का हम फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने दूध लिया है और थोड़ा सा आधा कप दूध हम बचा कर रखेंगे। उसको हमने एक बाउल में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालकर हम उसका पेस्ट बनाएंगे। अब बाकी का जो दूध है उसको उबाल आने तक हम वेट करते हैं। उबाल आने के बाद हम उसमें ये कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड का पेस्ट डालने के बाद हम इसे चम्मच से या विस्क से लगातार हिलाएंगे ताकि वो नीचे चिपकना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर कस्टर्ड खराब हो जाएगा। अब इसमें हम शुगर डालेंगे। तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर शुगर डाल सकते हो। अब आप देख सकते हो ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो बेसिक कस्टर्ड है वो रेडी है। अब इसे हम ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद हमें इसे फ्रिज में रखना है। फ्रीजर में नहीं रखना, हमें नॉर्मल इसे फ्रिज में ठंडा करना है। तो चलिए फिर अब एक बाउल में इसे निकाल लेते हैं और ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम फ्रूट्स काटेंगे। तो ये फ्रिज में हमने रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब हम फ्रूट्स यहाँ पर देखते हैं क्या क्या लिए है हमने। तो फ्रूट्स कौन से भी आप ले सकते हो। यहाँ पर मैंने बनाना लिया है, मैंगो लिया है, एप्पल लिया है, चीकू और अनार के दाने कुछ लिए हैं। तो ये सब हम इकट्ठा करते हैं एक बाउल में और इसमें अब हम ये ठंडा किया हुआ कस्टर्ड डालेंगे। तो अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसमें कोई एसेंस वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कस्टर्ड पाउडर में पहले से ही एसेंस डाला था। ऊपर से थोड़े से अनार के दाने डाल लेते हैं और अब ये हमारा कस्टर्ड पाउडर रेडी है। बस अभी आधा घंटा हम इसे फिर से फ्रिज में रख देते हैं और ठंडा अच्छा लगेगा। तो अब हमारा फ्रूट कस्टर्ड तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे ग्लास में। तो ये फ्रूट कस्टर्ड आप विथ आइसक्रीम भी खा सकते हो या फिर विदाउट आइसक्रीम भी खा सकते हो। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत हेल्दी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये रेसिपी। तो आप फ्रूट कस्टर्ड बनाकर देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।